ग्राम रोजगार सहायकों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अब रोजगार सहायकों का मासिक वेतन 9,000 की जगह 18,000 रुपए दिया जाएगा। साथ ही पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति में 50% स्थान रोजगार सहायकों के लिए आरक्षित होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम रोजगार सहायकों के सम्मेलन में कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में रोजगार सहायकों की विशेष भूमिका है। कोरोना काल में भी आम जनता और अन्य प्रदेशों के श्रमिकों को राहत देने में रोजगार सहायकों ने महत्वपूर्ण कार्य किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि रोजगार सहायकों को वर्तमान में 9,000 मासिक मानदेय दिया जाता है, अब हम उसे 18,000 करेंगे। अब रोजगार सहायकों की सेवा आसानी से समाप्त नहीं की जा सकेगी, आवश्यक प्रक्रिया अपनाने के बाद ही कार्रवाई होगी। सामान्य अवकाश सहित प्रसूति अवकाश आदि की सुविधा भी मिलेगी। मातृत्व अवकाश के साथ ही पितृत्व अवकाश भी प्रदान किया जाएगा। रोजगार सहायकों को भविष्य में स्थानांतरण और नियुक्ति से संबंधित कार्यों में पंचायत सचिवों के समान ही माना जाएगा। इसके लिए आवश्यक नियम बनाए जाएंगे। 9,000 वेतन है, अब 9,000 में काम नहीं चलता, थोड़ी देर भी हो गई, लेकिन अभी तत्काल बढ़ा के 9,000 से 18,000 आपका वेतन किया जाएगा। तुम्हारे लिए आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है, क्योंकि आज से जिंदगी में एक निश्चितता आएगी और बच्चों का भविष्य भी बेहतर बना पाओगे मेरे भांजे भांजियों। बाकी चीजें मंत्री जी हैं दोनों हमारे, ACS से मिलके बैठ के नियम प्रक्रियाएं पूरी तय कर लें। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि देखो, मेरी एक ही तड़फ है, एक ही तड़फ जिसके लिए मैं जी रहा हूं, वो है मध्य प्रदेश का विकास और प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।